उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कासगंज में मायावती के जन्मदिन पर सपा और बसपा रहे एक मंच पर हजारों की संख्या में भीड़ रही मौजूद। एक तरफ जहां सपा बसपा के गठबंधन से नई क्रांति का आगाज हुआ है, वहीं इन पार्टियों में कभी 36 का आंकड़ा हुआ करता था। आज दो बड़े दल जैसे ही एक मंच पर आए, राजनीति में तहलका मच गया। आपको बता दें कि अन्य राजनीति पार्टियां तरह तरह के कायस लगा रही हैं। वहीं जनपद कासगंज में बहन मायावती जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सपा के कद्दावर नेता कुंवर देवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, वहीं जमकर जनपद के सपा व बसपा के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा पार्टी ने दलित वंचितों के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया, और साथ ही घोटालों पर भी सभी नेता जमकर बोले। सभी का निशाना बस एक ही पार्टी थी, भाजपा। भाजपा को ढोंगी पार्टी और जुमलेबाज पार्टी कहने से भी सपा और बसपा के नेता पीछे नहीं हटे। मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर अलीगढ़ मंडल इंचार्ज मायावती के भव्य आयोजन का चालन बसपा नेता डीपी राणा कर रहे थे। बसपा जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष का कहना था कि इस बार भाजपा पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वहीं इस मौके पर जनपद के सपा और बसपा के तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें राजकुमार जाटव, कुंवर देवेंद्र यादव, मास्टर यादव, डीपी राणा मुख्य अतिथि के रूप में रणवीर कश्यप आए थे, जो अलीगढ़ मंडल बसपा से जोनल इंचार्ज है, और विशेष अतिथि जोन इंचार्ज अलीगढ़ मंडल माननीय सूरज भान सिंह, रामवीर सिंह, डीपी राणा, अनिल भगेल, छत्रपाल सिंह शाक्य, शैतान सिंह, बलबीर सिंह भास्कर, सुभाष शाक्य, नगर पंचायत चेयरमैन मोहनपुर, कमांडो चांदनी, नगर पंचायत चेयरमैन अमापुर आदि मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद, 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिले के जो समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जनता को, हमारे जो मतलब जनता है, क्या उसको संदेश क्या देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ गठबंधन हो गया है, उन्होंने उचित समझा कि मानी बहन जी का जन्मदिन है आज, तो वो इसलिए आए थे यहाँ पर मंच पर, शांति बनाए और काम लगे हुए थे जिले में, इसलिए वो समय से चले गए। अच्छा, तो इस पे आपका कहना कि आगे आगे कितनी सीटों तक आने का चांस है उत्तर प्रदेश में? साथी बैठे हैं, सब पूरी बीजेपी को साफ कर देंगे हम लोग, बीजेपी ये गठबंधन पे, आपका कहना है गठबंधन ये बीजेपी पूरी तरह से साफ को साफ करेगा। तो यहाँ का प्रत्याशी कौन होगा? यहाँ का प्रत्याशी हमारे अखिलेश यादव और माननीय बहन जी तय करेंगे। और बहन जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, बहन जी इसमें बताएंगे आपको। कासगंज से रामेश्वरम गौतम की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।